जिला समाहरणालय गया में वरीय पुलिस अध्यक्ष महोदय गया एवं जिला पदाधिकारी महोदय गया के संयुक्त अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर वरीय पुलिस अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष मेले के लिए गया पुलिस द्वारा की गई व्यापक तैयारियों और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में प्रस्तुत जानकारी दी। बालाघाट शहर में मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में साकिब नाम का व्यक्ति तथा उसके कुछ साथी द्वारा फिलिस्तीन देश का झंडा फहराया गया। शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर साकिब व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 197(2)(BNS) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। देश शिक्षित बेरोजगारी की बढ़ती समस्या से जूझ रहा है, जिससे युवाओं में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि सरकारी धन का उपयोग अपने और अपनी पार्टी के प्रचार के लिए किया है। मामला बबेरू तहसील परिसर का है, जहां आज मंगलवार को राजकीय हाई स्कूल पखरौली के छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक बबेरू तहसील पहुंचकर प्रधानाचार्य व सहायक अध्यापक का स्थानांतरण रोके जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी नमन मेहता को ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लोकप्रिय विधायक ताराचंद्र सारस्वत के माध्यम से विधायक सेवा केंद्र में रेल सेवा संघर्ष समिति श्री डंगूरगढ़ के अध्यक्ष तोला राम मारू तथा मंत्री विनोद गिरी गुसाई ने रेल संबंधी विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांग बीकानेरी दिल्ली वाया श्री डंगूरगढ़ इंटरसिटी चलाने की थी। जौनपुर जनपद मछली शहर नगर पंचायत में अराजक तत्वों ने लगाए फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। आपको बताते चले कि थाना मछली शहर अंतर्गत वारफात जुलूस के दौरान बाइक सवार युवकों द्वारा आपत्तिजनक नारा लगाए जाने की वीडियो वायरल, प्रशासन सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी। जिला प्रशासन ने सुभद्रा योजना के बारे में आम जनता को सूचित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सुभद्रा योजना का शुभारंभ ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। खबर सहारनपुर के बिहारीगढ़ से, शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने शांति व्यवस्था भंग करने के लिए एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सोमवार को कसौली छावनी क्षेत्र के अपर माल सड़क मार्ग पर छावनी बोर्ड कसौली द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के कार्यक्रम पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पत्रकारों को पुलिस अध्यक्ष महोदय द्वारा आरोपियों को पकड़ने 24 घंटे का आश्वासन दिया गया था। अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद भी अगर आरोपी नहीं पकड़े गए और सरगना में शामिल लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 42 घंटे बाद स्थानीय हनुमान चौराहा पर साथी पत्रकारगण, सहयोगी सामाजिक संगठन और जो भी विभिन्न समाज के चिर परिचित मेरे सभी साथियों के संग 3 बजे उग्र आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा।